आई एम श्योर कि आपने काफ़ी बार ये सुना होता है कि छोटे बच्चे को अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से ही बड़े करते हो, उनको थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं समझाते या नहीं सिखाते, तो बड़े होके ना बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है वो पता ही नहीं चलता। हमारे रिलेशनशिप में भी यही होता है। रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या अपने पार्टनर की खुशी के लिए बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं, एंड उसके बाद हम रिलेशन में देखते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है। तब हम तो कहते कि यार मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या किया, फिर भी तुम आज मुझे इग्नोर कर रहे। तो ये क्या क्या हमने किया होता है ना, वही हमारी गलतियाँ होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऐसी गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं तो अभी भी उनको बंद करिए, अभी भी आपके पास टाइम है। धीरे धीरे आपका रिलेशन में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ गया है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो गलतियाँ आपको अपने रिलेशन में बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज 100% आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा। सबसे पहली हमारी गलती होती है कि जब हमें किससे प्यार होते ना, फिर हम उस व्यक्ति को ना उनके पेरेंट्स की तरह लव करने लगते हैं। अब लव तो लव है, तो आपको ना उनके बारे में बहुत फिक्र होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में होती है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम उनको एडवाइस देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम उनको रोकते हैं, टोकते हैं, हम उनको बताते हैं। एंड देखियो, ये सारी चीज़ हम इसलिए करें क्योंकि हमें ना दिल से उनकी बहुत ज़्यादा परवाह होती है। पर डूड, आप ये समझो, आपको थोड़ा सा समझना है, कोई भी इंसान होगा या आपकी बात करो, जब आपके पेरेंट्स अभी भी आज भी आपको किसी चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं या कुछ ऐसी बात बोलते हैं, तो आपको ना कहीं अब इरिटेशन होती है कि मुझे तो सब पता है, अब मेरी लाइफ को कंट्रोल मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ झड़ जाते हैं, उनको पता होता है ये मेरे अच्छाई के लिए कह रहे हैं। अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखो जो तुम्हारा पार्टनर है ना, वो अपनी एज को इंजॉय करना चाहते, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते, उनको वो चीज़ें लाइफ में डिस्कवर करनी है जो अब तक उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो तुम जो एक्सपीरियंस दे रहे हो, उस चीज़ से वो अपने घर से बोर होके आ रहे। अगेन उनको ऐसा लगता है कि यार एक जेल से निकला हूँ, दूसरी जेल पे गया हूँ। लाइक देखो प्यार ना, मैंने ऐसे कई लोगों से बात की कि जो प्यार से बहुत परेशान है, वो कहता है कि यार मेरा पिछला बॉयफ्रेंड, ठीक है, मतलब ऐसा पागल था, पूरे दिन मुझे इरिटेट करता था। ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ है, लड़के भी होते हैं कि यार वो लड़की है, पूरे दिन रोती रहती है मेरा दिमाग का। तो आप समझो, लोगों को ना एक बॉयफ्रेंड, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड जैसा ही होना चाहिए, वो एक फ्रेंड जैसा ही एक्चुअल में होना चाहिए, गर्लफ्रेंड एक फ्रेंड जैसी होनी चाहिए। तो तुम देखो कि यार तुम्हारी जो भावना है उनके बारे में बहुत अच्छा सोचने की, तो तुम बताते हो या रिएक्ट करते हो, तो समझो तुम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको वो फील आ रहा है जो उनके घर पर उनके साथ हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि भाई तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, लड़के तुझे घूर रहा है, क्यों कहता है, समझ रहा है? तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ बुरी लगती है, पर उसकी गर्लफ्रेंड को क्या लगेगा पता है? मोस्ट ऑफ टाइम उनको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी लाइफ को क्यों कंट्रोल कर रहा है, इसको मेरी चीज़ों से क्यों परेशानी है। हालांकि उनको भी पता है कि भाई वो नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे देखे, पर फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको कंट्रोलिंग ही लगती है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, एंड खास तौर पर ना ये बात तो मैं आपको बताना ही चाहूँगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुझे किस्सा भी इसके बारे में याद आता है, वो है अपने पार्टनर की ना हर डिमांड के ऊपर डिमांड है ना वो पूरी कर दी जाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस इंसान के लिए ना ये बहुत दुख भरी एक कहानी है, उनकी लाइफ की एक दास्तान है। क्योंकि उनकी मेरे साथ बात हुई थी, काफ़ी साल हो गए, लाइक वो एक लड़की को प्यार करता था, एंड तभी वो लड़की स्टडी कर रही थी, याद रखना। तो वो लड़की उनसे पैसे मांगते थे कि मुझे फीस भरनी है, ठीक है, वो अपने घर से भी मांग सकती थी, लेकिन उस लड़के से वो पैसे लेती थी। ऐसी चीज़ है, उस लड़की ने उस चीज़ के लिए ना उस लड़के से पैसे दिए। अब देखो उनका रिलेशन था, तो आप ये भी कह सकते हो कि यूज़ करती है, ये डायरेक्ट वर्ड आप उनके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसने ये कहा, कॉलेज टाइम पे वो अपना एक्टिवा चलाती थी, वो भी इस लड़के के पैसे पे। फिर देखो उस लड़के ना शादी भी किसी तीसरे लड़के से कर ली, इससे नहीं कर ली, जिसने फीस दी, जिसने स्कूटर दिया, एक्टिवा दी, उनसे कुछ नहीं किया। एंड ये भाई साहब फिर भी ईमानदारी से प्यार ही करते थे, अभी भी प्यार करते हैं। फिर उस लड़की की शादी होगी, उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को कार भी गिफ्ट की। एंड देखो इंटरेस्टिंग चीज़ आप अभी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हुई, पर जब उस लड़की का और इस लड़के का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, एंड स्पेशली आप मान लो कि बार बार उस लड़की ने ये बात उस लड़के को कही है कि तूने मेरे लिए अपनी लाइफ में किया ही क्या है, मतलब तू मुझे प्यार करता है तो तू प्रूव करना तू मुझे कितना प्यार करता है, तूने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है।
तो मैं कि आपको ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे कोई डिमांड करे, छोटी सी चीज़ उनकी खुशी के लिए तुम्हें करनी नहीं चाहिए करनी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि तुम जब ऐसी बातें सुनते हो तो एग्जैक्ट उनकी उल्टी चीज़ें मान लेते हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। देखो हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है, हम दोनों क्या है, हमारी क्या औकात है, क्या चीज़ें जेन्यून है जो होनी चाहिए, ऐसे सोचो। पागलों की तरह हमें लगता है कि भाई हम ये दे देंगे, उनकी ये डिमांड पूरी कर देंगे, फिर तो वो खुश। एक याद रखो, लोगों की ना डिमांड है कभी भी ख़त्म नहीं होती, किसी भी मामले में वो ख़त्म नहीं होगी। एक पूरी करोगे तो दूसरी वो खड़ी करके लाएंगे। पर तुम्हारे पार्टनर को पता होना चाहिए कि मैंने ना अनलीगल चीज़ की या कुछ ऐसी चीज़ें की जो एक रियल में नहीं है, या तुम उनकी कम्प्लीटली चीज़ें कम्प्लीट डिमांड पूरी नहीं करते, तो वो चीज़ है ना उनको समझ में आएगी। नहीं तो उनको लगेगा कि यार मतलब सामने वाला इंसान ही नहीं, उसको लगेगा कि इनको तो मेरे लिए करना ही करना है। और एक बात ये कि अगर तुमने लाइफ में कभी भी उनको मना नहीं किया, उनको एहसास नहीं करवाया कि नहीं करना है तुम्हारे लिए, तो जितना भी तुमने कुछ किया ना उनकी वैल्यू उनकी कदर तो कभी होगी नहीं। तीसरी और ऐसी बहुत बड़ी गलती ये है कि अपने पार्टनर को बहुत ही सुपर स्पेशल फील करवाना, ऐसा फील करवाना कि भाई तुम बहुत कुछ हो और हम ना तुम्हारे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जैसे कि ना तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने, और कोई आपकी लाइफ में ना करिश्मा हो गया और वो आपको अचानक से मिल गए, तो यहाँ पर तो तुम डायरेक्टली अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी वैल्यू है, उनके सामने गंवा देते हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर की बात पे हाँ जी हाँ जी, उनके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता उनसे डील करने का। तो यार तुम ये दिखा रहे हो कि यार तुम तो कुछ हो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, तुमने तो कृपा की है हमारे ऊपर, ठीक है, तुमने हमारे साथ रिलेशन में आकर ना हमारे ऊपर बहुत ही एहसान किया है। देखो सीधी सी बात है, अगर वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशन में है तो या तो उसने देख लिया है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, तुमसे उनको कुछ करवाना है, या तो वो तुमसे इम्प्रेस हुआ है। अगर वो तुमसे इम्प्रेस हुआ है तो तुम क्यों अपनी आइडेंटिटी खराब कर रहे हो? जब तुम बार बार अपने पार्टनर के सामने ऐसे कहते हैं कि हम तो कुछ औकात रखते ही नहीं, फिर उनको भी वो फील होने लगता है, फिर उनको भी लगता है कि क्या इनके साथ में हूँ, ठीक है, तो उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता। तो कभी भी ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि हमारी बातचीत, हम कैसे रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में, वही दिखाता है कि भाई मतलब वो तो कुछ है। अगर तुम वैसा ही फील कर रहे हो कि नहीं रियल में वो मिल गए तो तुम्हें तो कुछ मिल गया, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं थी, तो तुम गलती करो। सबसे पहले अपने आप को बता कि ये सच नहीं है मेरे भाई। चौथी बहुत ही बड़ी गलती जिसके कारण तुम्हारा पार्टनर डेफिनेटली एक दिन तुम्हें इग्नोर करेगा, वो कि तुम अपने पार्टनर को खुश करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। आपको जान के ना बहुत बुरा लगेगा या अजीब लगेगा कि लोग अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्राइम भी करते हैं, समझ रहे हो, लोग इस हद तक भी जाते हैं। पर मैं तो यहाँ तक की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो आपको बात कहता हूँ कि यार हमें उस हद तक पर भी नहीं जाना है कि तुम अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने आप को हॉट करो, अपनी चीज़ों को ख़राब करो, तुम अपने दोस्तों को छोड़ रहे हो, अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो, क्यों भाई, जस्ट उनको खुश करने के लिए। तुम अपना काम खराब करो, तुम अपनी छुट्टी लगाकर उनके पास उनको मिलने जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, आपको सामने भी देखे होंगे कि रात को 4-4 बजे 5-5 बजे अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई सामान लेकर उनको देने चाहते, और वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, जस्ट ये दिखाने के लिए, देखो मैंने किया तो मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मेरे लिए ये यहाँ तक किया। एंड वो भाई साहब भी कि अपन ना वो सारी चीज़ें डिमांड उनकी पूरी करते हैं। एंड यही लोग बुरी तरह से रोते हैं भाई, बहुत बुरी तरह से रहते हैं कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। भाई तूने क्या क्या किया ना, इसी का ये रिजल्ट है कि आज वो तुझे इग्नोर कर रही है। पांचवी बहुत बड़ी गलती जिसके कारण भी डेफिनेटली तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जरूर और जरूर इग्नोर करेगा कि तुमने अपनी लाइफ में ना इस रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को और प्यार को ही सब कुछ मान लिया। अब बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस का रीज़न होता है कोई इंसान, एंड ऐसे लोगों को लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। तो क्या हमारी लाइफ में लव रिलेशनशिप इसका इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली का, आपकी लाइफ में करियर का, आपके फ्रेंड्स का, रिलेशनशिप का। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ना अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सही वे में लगाओ। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि उन सारी चीज़ों को साइड कर देते, उतना इंटरेस्ट नहीं रहते, ऐसी चीज़ को ना सब कुछ बना लेते हैं। तो ये तो वो वाली बात होगी कि यार तुम्हारी लाइफ में लव के सिवा, इस पर्सन के सिवा कुछ है ही नहीं, यही तुम्हारी दुनिया है। लोग कहते हैं ना कि तुम ही मेरी दुनिया है, तो वो पर्सन कल तुम्हारी लाइफ से चला गया, फिर
फिर तुम कहोगे कि मुझे मर जाना है क्योंकि लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पर भी वो पर्सन देखता है यार तुम्हारा ना कोई करियर में उतना इंटरेस्ट है, ना तुम कुछ उसमें बहुत बड़ा करोगे, ना लोग तुम्हें पसंद करते, ना तुम्हारी फैमिली वाले, ना तुम्हारे दोस्त, इसमें कुछ तुम्हारा है ही नहीं, तुम इंटरेस्टिंग लगोगे ही नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि वाह तूने मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी वैल्यू बनाते हैं। फिर एक टाइम पे जब तुम्हारा प्यार उनको फीका लगेगा, फिर वो तुम्हें टाटा बाय बाय करेंगे, तब तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या हो गया। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि देखो लाइफ में जो रिलेशन का इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह से लाइफ में और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो होती है, तो उसको इस हिसाब से ट्रीट करना चाहे, ना कि आंखें बंद के सिर्फ रिलेशन को ही देखना चाहे। तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करते हैं कि पांच वो गलतियां जो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर करेगा। नंबर वन चीज़ होती है कि तुम अपने पार्टनर को पेरेंट्स की तरह प्यार करते हो। दूसरी चीज़, उनकी हर डिमांड को तुम पूरी करते हो। तीसरी चीज़, तुम उनको ऐसा फील करवाते हो कि वो बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशल हो और तुम कुछ नहीं हो। चौथी चीज़, तुम उन्हें खुश करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो। एंड पांचवी चीज़ कि तुमने अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को सब कुछ मान लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।